उन पर बड़ा छल हुआ, बड़ा धोखा हुआ। वो जो दो वोटों का अधिकार लेकर आए थे, वो जो एक गुजरात का दंगा फकीर था, आमरण अनशन पर बैठ गया था पूना में, उसने उस पर पानी फेर दिया था। मगर साथियों, अब ये एक अवसर बचा है, इस संविधान को बचा लो। इस संविधान को बचाने के लिए सारे संगठन एक जगह आ जाएं। जिस दिन सारे संगठनों को एक जगह आने का आह्वान किया जाएगा, सबसे पहले मैदान में अगर कोई कूदेगा तो यूथ फॉर फुटिस्ट इंडिया को दे। हमारा दुश्मन ताकतवर नहीं है, समस्या ये है कि हम बिखरे हुए हैं, हम आपस में बटे हुए हैं, और वो बुद्धिमान भी नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि हम स्कूल तो जाते नहीं, मंदिरों के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज समय आ गया है, यूथ फॉर फुटिस्ट इंडिया ने जो ये कॉल दिया है कि हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। साथियों, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यह बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, जानते हैं कि इस देश में सबसे सफल शासन मौर्य सम्राटों का था। सम्राट अशोक के समय में इस देश की सीमाएं ईरान और इराक से आरंभ होती थी और थाईलैंड तक जाती थी। उधर उत्तर में ताशकंद यानी रशिया से आरंभ होती थी और चोल राज्य यानी के मद्रास तक जाती थी और सारा भारत एक था। मगर कुछ ऐसे लोग जो पूजा पे पल्ला अपना धर्म समझते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इनको ठिकाने लगाओ, नहीं तो तुम्हें ये दान दक्षिणा बिल्ली बंद हो जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाओगे। उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे अंतिम सम्राट भरत मौर्य की षड्यंत्र पूर्ण तरीके से हत्या कर दी। उन्होंने उनकी हत्या तो की, मगर तुमने पाया क्या, तुमने ये पाया कि इस देश में अराजकता छा गई। मेरे सम्राट अशोक का एक माओ भारत अंग्रेजों के आते आते 650 रियासतों में बट गया। तो साथियों, जब कभी भी क्रांति के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस देश में अनर्थ हुआ है, इसलिए संविधान की तरफ पूरी नजर मत रखना, संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करना। अब ये संविधान की रक्षा में ये सब लोग आए हो ना, हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में। अरे मुझे तो सुनाई दे, ऐसे तो बोलो, हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में, हम सब मैदान में संविधान के सम्मान में। यूथ फॉर फुटिस्ट इंडिया की कॉल पर आज 12 स्टेट के लोग यहाँ जब इकट्ठा हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य हमारे साथ है। आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार की तत्परता से, इसी प्रकार के संगठन के बल पर, इसी प्रकार की दूरदर्शितापूर्ण बुद्धिमत्ता के बल पर अपने अधिकारों को छीनने का काम इसी प्रकार से करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा हर लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे और विजय को छीन कर हम आपके चरणों में इसी प्रकार रखते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ ये जो कार्यक्रम हुआ है, अगर आप ये मानते हैं कि वाकई ये कार्यक्रम शानदार हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि चाहे आप 10 रुपए दें, मगर इस कार्यक्रम को पैसे की वजह से कम ना तोड़ने दें। आगे भी बहुत कार्यक्रम हमने पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। अगर हमारी कहीं डोर मजबूत कमजोर पड़ती है तो धन की वजह से पड़ती है। आपके बीच में हमारे मेरठ के प्रधान जी देवेंद्र कुमार जी आपके बीच में आ रहे हैं, इन्हें निराश मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ जहाँ मेरे साथ नारा लगाओगे, मेरठ में तृतीय सामाजिक चेतना सम्मेलन मेरठ में होगा, आप सब तैयार रहना। अब मेरे नारे जानो हो ना,
हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। कोई फर्क ना पड़ा, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं।